الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم حضرات اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس بابرکت مجلس میں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی میں اس قابل نہیں تھا کہ ایسے نورانی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر سکوں لیکن حضرت کا جب حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ہی ہے حضرات میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو جامع طور پر رکھا ہے اس میں توحید کے متعلق اتنی بڑی فضیلت دی ہے اس سورت کے اندر اسی چیز کو مرشد نے اپنے وظیفے میں رکھا ہے محترم حضرات سورہ اخلاص بہت جامع توحید ہے تو اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے اسی کے مطابق کچھ عرض کرنا چاہوں گا محترم حضرات فارس میں ایک بادشاہ کے پاس ایک بہت بڑا جانکار اس کو ہر چیز کا علم تھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا علم کے ذریعے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے آنے سے کتراتے تھے اتنا بڑا جانکار تھا مگر اللہ نے اس کو علم کی اس کو ایمان کی دولت سے دور رکھا اسی گھمنڈ کی وجہ سے محترم حضرات چونکہ علم تھا سارے لوگ اس کو سننا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے تھے جب بادشاہ کو یہ خبر لگی کہ وہ صاحب آ رہے ہیں تو اس نے اس جانکار کے لیے جو ہر علم کا جانکار تھا سائنس جغرافی ہر چیز کہہ لیجیے وہ جانتا تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستو بادشاہ نے اس کے لیے بہت ساری تیاریاں کرائی اور جس گھر میں جیسے بادشاہ جیسے روم میں رہتا تھا ویسے ہی روم اس کے لیے بنوایا میرے محترم بزرگوں اور دوستو وہ شاہی انداز میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اس کے بہت سارے خدمت گزار اس کے ساتھ آئے اور سب کی بادشاہ نے بڑی عزت کی اب اس نے ایک مجلس رکھی بادشاہ نے اور اس مجلس میں بڑے بڑے علماء کرام کو محدثین کو اور مفتیان کرام کو دعوت دی
अब सारे लोग उस मजलिस में आए और आने के बाद उस वहां बैठे उस मजलिस में ये फरमाया गया कि कम से कम 10,000 उलमाए दीन थे, बहुत सारे मुफ्तियाने किराम थे। अब वो जब वो मजलिस में आया तो उसने कहा कि जो शख्स मेरे 3 सवालों का जवाब दे देगा, मैं 3 सवाल करूंगा। कोई है जो इतने सारे उलमाए किराम बैठे हैं, मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूं कि कोई है जो मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे दे। हां सुनना, अगर कोई मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा, अगर जो ये कहेगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, अगर वो जवाब नहीं देगा तो मैं बादशाह से कहूंगा कि ये बादशाह इसकी गर्दन मार दे। अब इतना सुनने के बाद पूरे मजलिस में सकता तारी हो गया, खामोशी की लहर दौड़ गई। सारे लोग, अगर कोई ये सोचता कि मैं इसके सवालों का जवाब दे दूंगा तो बगल वाला कहता कि अरे क्या जरूरत है तुमको अपनी जान को मुसीबत में डालने की, छोड़ो कोई और जवाब देगा। जैसा कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ये सोचता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब पूरे महफिल में उतनी बड़ी मजलिस थी, उलमाए किराम हैं, सारे लोग खामोश बैठे हैं। एक दूर 21 साल का लड़का फटे पुराने लिबास में, जिनका नाम नोमान रहमतुल्ला अलैह, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो लड़का खड़ा होता है और कहता है कि ऐ बड़े मियां, आप सवाल करो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। सारे लोग जब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक छोटा लड़का है जो कि उसके चैलेंज को कबूल करता है, और वो ऐसा चैलेंज कि अगर वो सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा उसकी गर्दन मार दी जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब वो लड़का कहता है, स्टेज के करीब आया और खड़ा हुआ और कहा कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। कहा कि सोच लेना, अभी तो तुम जवानी में भी कदम नहीं रखे हो और मेरे इतने बड़े चैलेंज को कबूल करते हो। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, आप सवाल कीजिए। मेरे मोहतरम, अब वो लड़का उस बड़े आलिम से कहता है कि आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। तो उसका पहला सवाल था कि अल्लाह तो है मगर अल्लाह से पहले क्या था, ये तुम बताओ, जल्दी बताओ। अब वो लड़का बड़े इत्मीनान से सुन रहा है और ये कहा कि इसमें इतनी जल्दी क्या है, आप पहले अपने 3 सवाल कीजिए, उसके बाद मैं आपके 3 सवालों का जवाब दूंगा और मुतमईन बख्श जवाब दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दूसरा सवाल उसने किया कि अल्लाह जब सामने देखता है तो पीछे कैसे देखता होगा, दाएं देखता है तो बाएं कैसे देखता होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब इस सवाल को सुनकर सारे लोग अंदर अंदर परेशान हैं कि बताओ इतना सख्त सवाल एक लड़का कैसे जवाब देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब तीसरा सवाल उसने कहा कि अल्लाह करता क्या है, अभी अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा,
हम लोग हैं कि यहाँ हम खड़े होकर बयान कर रहे हैं, आप हैं बैठकर सुन रहे हैं, कोई है खाना बना रहा है, कोई चल रहा, मेरे मोहतरम, मगर अल्लाह हमारा इस वक्त कर क्या रहा। ये तीन सवाल हुए। अब उस लड़के ने कहा कि आपके सवाल पूरे हुए? उसने कहा कि हाँ हाँ सवाल तो पूरे हो गए, जल्दी जवाब दो। कहा कि उजलत मत कीजिए, आप खामोशी से बैठिए और सवाल सुनिए। मेरे मोहतरम, उस वो लड़के ने कहा कि आपने जब सवाल किया तो बैठ के किया, शाही कुर्सी पे बैठे और मैं खड़ा रहा, अब आप यहां खड़े रहिए, मैं वहां बैठ के जवाब दूंगा, उस कुर्सी पे बैठूंगा। अब चूंकि वो बड़े आदमी थे, लड़के के सामने वो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि ये बहुत बदतमीज है ये लड़का है। कहा कि यहां बात नहीं बनेगी, क्योंकि सवालों का जवाब देना है, आपने तीन सवाल किए, मुझे उन तीनों सवालों का जवाब देना है। अब वो जब हुक्म हुआ बादशाह का, भाई खड़े हो जाओ, उसको जवाब देने नहीं दो, क्योंकि यहां जिंदगी की बनी, अगर वो जवाब नहीं देता बादशाह उसकी गर्दन मार देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो नोमान रहमतुल्ला अलैह, जो कि हम लोगों के इमाम हैं, अभी उम्र 21 से 20 साल है, इमाम नोमान इब्ने साबित रजी रहमतुल्ला अलैह, वो हम लोगों के इमाम हैं, जिनकी इक्तदा हम लोग करते हैं, जिनको हम अबू हनीफा रहमतुल्ला अलैह के नाम से जानते हैं, हमें उनका असली नाम नहीं पता चलता, मगर गौर करेंगे तो यही नाम है, नोमान इब्ने साबित रजी रहमतुल्ला अलैह। मेरे मोहतरम, अब वो बैठ जाते हैं कुर्सी पे और बड़े मियाँ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि आपका पहला सवाल, आपने जो पहला सवाल किया कि अल्लाह से पहले क्या था, मेरे मोहतरम, उस लड़के ने कहा कि बड़े मियाँ आपको गिनती आती है। अब वो चूंकि इतने बड़े आदमी और लड़कों जैसी बात वो लड़का कर रहा, हमारे इमाम साहब लड़कों वाली बात कर रहे हैं, मगर उसी में उनका वो जवाब है। मेरे मोहतरम, कहा कि क्यों नहीं आती? अब वो गिनने लगते हैं, 10 तक गिनवाते हैं और 10 के बाद कहते हैं कि बड़े मियाँ थोड़ा वापस आ जाओ। फिर वो गुस्से में हो जाते हैं, फिर वो जब गिनने लगते हैं और 1, 3, 2, 1 पे आते हैं तो कहते हैं कि इसके बाद क्या है? तो कहा कि इसके बाद कुछ नहीं है। तो 1 के बाद जब कुछ नहीं है तो अल्लाह 1 है, और 1 के बाद अल्लाह के बाद कुछ नहीं था। मेरे मोहतरम, अब वो जवाब से मुतमईन हो जाते हैं। कुरान की वो सूरत है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो जना गया है, ना वो जना है, ना उससे कोई जना गया है। मेरे मोहतरम, तो जब अल्लाह एक है और 1 के बाद कुछ नहीं, तो मेरे अल्लाह के बाद कुछ नहीं। अब वो जवाब सुनकर चकरा जाता है, मजलिस में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि बहुत बेहतरीन जवाब दिया इस लड़के ने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब उस जवाब के बाद कहता है कि दूसरा जवाब दो जो मैंने आपसे सवाल किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब नुमान रहमतुल्ला अलैह ने कहा कि दूसरा जवाब समाप्त फरमाएं। दूसरा जवाब सुने, कहा कि पहले इस मजलिस के कंगूरे बुझा दिए जाएं,
जो रोशनी थी पहले, ये लाइट ये चमक धमक वाली नहीं थी, पहले चिराग जला करते थे मजलिसों में, कहा कि मजलिस की लाइट बुझा दी जाए और वो एक मोमबत्ती मंगाए और मोमबत्ती को जला दिया। जब लाइट बुझी है सारे लोग परेशान हैं, वो कहता है कि क्या आप ए लड़का ए लड़के क्या तुम इसमें मारोगे हमें? कहा कि नहीं नहीं, मुझे आपके सवालों का जवाब देना है न कि मारना है। इस्लाम किसी को तकलीफ नहीं देता, आप तो हमारे बड़े हैं, आप जानकार हैं, आप इल्म वाले हैं, आपको हम कैसे मारेंगे, ये इस्लाम नहीं सिखाता किसी को मारना, आप तो बड़े जानकार हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब वो जब मोमबत्ती लाई गई, अब उसको रोशन कर दिया हमारे इमाम साहब ने, रोशन कर दिया और वो पूरा उजाला हो गया। अंधेरे में थोड़ी सी भी लाइट आई तो उजाला हो गया। कहा कि ऐ वो शख्स देख इस मोमबत्ती को, जब इसने इतने उसको रोशन किया तो मेरा अल्लाह नूरुन अला नूर है, वो तो पूरी दुनिया को कैसे न रोशन कर दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह इधर भी देखता है, अल्लाह उधर भी देखता है, अल्लाह सामने भी देखता है, अल्लाह पीछे भी देखता है, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। उसकी क्या बात कर रहे हो कि अल्लाह किधर देख रहा है? अल्लाह हर जगह देख रहा है। जब एक छोटी सी मोमबत्ती से चारों तरफ उजाला है, हर तरफ रोशनी जा रही है, तो मेरे रब से, मेरे रब की रोशनी भी तो हर जगह जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब तीसरा जवाब जो उस अल्लाह के बंदे यानी हमारे इमाम साहब ने दिया, कहा कि अल्लाह करता क्या है? का उन्होंने फरमाया कि ये चीज तो आपने शुरू में ही देख ली कि अल्लाह क्या करता है। तो कहा उसने कि भाई इधर उधर की बात मत कर, पहले ये बताओ कि अल्लाह क्या करता है। कहा कि भाई सबने तो देख लिया, जब तुम कुर्सी पे था, अल्लाह ने तुम्हें कुर्सी पर बैठाया, तख्ते शाही पे बैठाया, और तू लोगों से सवाल करता रहा, और वही अल्लाह तुम्हें हटाकर मुझे उस कुर्सी पे बिठा दिया, और वो अब इससे बड़ा मुशाहिदा क्या हो सकता है। तो अल्लाह जिसे चाहे जब उठा दे, अल्लाह जिसे चाहे जब तख्ते शाही पर बैठा दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस घमंडी के इस इल्म ने, इल्म वो उसको खुद वो शर्मिंदा हुआ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे उसे वो करिया, इसलिए कि दुनिया इल्म से खाली नहीं, हर जगह इल्म वाले बैठे रहते हैं। जिसने इल्म सीखा वो इसीलिए सीखा कि दूसरों को पहुंचाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वही लड़का एक दिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बन करके वो दुनिया में अपना काम किया, और उन्हीं के मसाइल को हम लोग आज मानते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हम और आप इसके मुतालिक वो गौर करें, यानी अपने आमाल को सुधारें, इसलिए कि अगर हमारे आमाल बेहतर होंगे तो हम हर जगह अल्लाह हमें कामयाबियों से नवाजेगा। अगर हमारे आमाल इधर उधर के होंगे तो अल्लाह हमें कल कयामत में उसके मुतालिक सवाल व जवाब करेगा और हमें जहन्नम में ढकेल देगा, इसलिए कि हमारे आमाल अच्छे नहीं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, उम्र नहीं है। आज आदमी कहता है अगर कोई छोटा लड़का है, अगर वो दीन की बातें कर रहा होता तो लोग कहते हैं कि तुम खामोश रहो, अभी तुम नहीं जानते हो। हालांकि वो भी
वो भी अल्लाह के अल्लाह का बंदा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से है। अब उसको भी उतना ही हक है बोलने का जितना हमें और आपको बोलने का हक है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हम अपने इल्म को अपने आमाल को सुधार करके इस दुनिया से जाएं, इसलिए कि ये आमाल हमारे कल कयामत के दिन रोज़े महशर में काम आएंगे। तराजू होगी, आमाल तौले जाएंगे, अब उस आमाल पर वही चीज़ काम आएगी जो कि हम दुनिया में करके जाएंगे। मेरे मोहतरम, हम खुद भी नमाज पढ़ें, हम खुद भी अल्लाह को याद करें, अगर बगल में पड़ोसी है तो उसको भी दीन की तरफ बुलाएं, यानी नमाज नहीं पढ़ रहा उसको कहें कि भाई चलो नमाज पढ़ लेते हैं। अगर वो कोई गलत काम कर रहा तो उसको कहें कि भाई ये गलत काम है, इसको तुम्हें नहीं करना है। अगर वो कोई वो कर रहा जो कि शरीयत के खिलाफ है तो उसे हमें मना करना है। मेरे मोहतरम, इसलिए हम और आप इसके मुतालिक सोचें कि अगर मेरा पड़ोसी कोई गलत काम कर रहा है, कभी मस्जिद में नहीं आया, तो हम उसे मस्जिद में आने को बुलाएंगे। इसलिए कि अगर वो ऐसे ही चला गया और हम लाख नमाजी बन गए, अगर वो जहन्नम में जाएगा बगैर आमाल किए हुए, तो अल्लाह हमसे भी पूछेगा कि आपने उसको कभी बुलाया, आपने कभी उसको मस्जिद में आने की दावत दी। मेरे मोहतरम, नहीं तो हमें भी अल्लाह तबारक व ताला पकड़ लेगा। तो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनका नाम भूल गया हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हाँ, उनका नाम हजरते हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बसरा के रहने वाले हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उनके पड़ोस में एक मजूसी रहता था। वो मजूसी, जिस मजूसी उसको कहते हैं जो कि आग की पूजा करता है, मजूसी के घरों में आग जलती रहती है और उसी की पूजा करता है, उसके घर में कभी आग बुझती नहीं, पूजा जिसकी वो पूजा करता रहता है। मेरे मोहतरम, अब वो मजूसी आखिर वक्त में, मौत का वक्त करीब हो गया है, हजरत हसन बसरी उससे बराबर कहते कि भाई तुम आग की पूजा करते हो, बल्कि तुम उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो जिसने इस आग को बनाया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो इनकार कर देता। जब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसको दीन की तरफ दावत देते तो वो इनकार कर जाता कि नहीं भाई, मैं नहीं आने वाला, मैं अपने तरफ से कैसे उस इबादत को छोड़ दूं जो कि 70 साल से करता आ रहा हूं। एक दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिसकी वो पूजा करता था, जिसकी वो इबादत करता था, उसको उस घर से उठाकर ले आए और कहा कि आपने 70 साल इसकी इबादत की है, अगर तुम्हारा ये माबूद है तो तुम इसमें अपना हाथ डाल दो, समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसने कहा कि भाई ये आग है, ये तो इसकी खासियत है जला देने की, ये जला डालेगी, मैं इसमें क्यों अपना हाथ डालूं। और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बजिद हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, तूने 70 साल से इसकी इबादत की, तुम इस आग में हाथ डालो। कहा कि मैं नहीं डाल सकता, इसलिए कि ये आग हमें जला देगी। मेरे मोहतरम, अब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं डालता हूं, क्योंकि इस आग के बनाने वाले की मैं इबादत करता हूं, मैं उसको अपना हकमल हाकिमीन समझता हूं, वही मेरा माबूद है जिसने इस आग को बनाया, जिसने आपको बनाया।
आप तो डर रहे हैं मगर मैं इस आग में अपना हाथ डालूंगा। अब वो हाथ डाल देते हैं, वो लाख मना करते हैं, वो मजूसी लाख मना करता है मगर वो अपने हाथ को डाल देते हैं। और आग हजरत हसन बसरी रहमतुल्ला अलैह को बिल्कुल जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो आग जिस आग में वो हसन बसरी रहमतुल्ला अलैह ने अपने हाथ को डाला, वो हाथ पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो गए, क्योंकि वो अल्लाह की बनाई हुई आग, जब अल्लाह हुक्म देता है तभी कोई आग किसी को जलाती है। तो अल्लाह का मुत्तकी परहेजगार बंदा जब अपने रब को पहले ही राजी कर चुका है, अब उसको किस चीज की फिक्र है। अब जब उसके आग ने उसको नहीं जलाया तो कहता है वो मजूसी की, आओ भाई फिर मुझे कलमा पढ़ा दो। अब वो पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब वो कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद उसने कहा कि मेरी जिंदगी 70 साल आग की पूजा में गुजर गई, आग की परस्तिश करते करते गुजर गई, अब मेरे 70 साल का क्या बनेगा। मैं जब अपने रब के पास जाऊंगा तो मेरा रब पूछेगा कि 70 साल तूने आग की पूजा की और उसके बाद हमारे यहां आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अरे बस हसन बसरी, तुम एक कागज पे लिख कर दे दो कि अल्लाह इसे बख्श दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आयतल कुर्सी में है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी की सिफारिश उसके यहां नहीं चलेगी। कल कयामत में किसी की सिफारिश उसके यहां नहीं चलेगी। अब हसन बसरी उस आयतल कुर्सी की उस आयत उस लफ्ज को अपने दिमाग में लेते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह मैं कैसे ये लिखूं कि जहन्नम की आपको बख्श दिया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब वो बहुत परेशान हुए, अब वो मान नहीं रहा वो मजूसी, अब तो कलमा गो हो गए, मान नहीं रहे हैं। अब वो कागज का चमड़े का एक टुकड़ा लिया और उस पर सिफारिश नामा लिख दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रात को तन्हाई में अपने बिस्तर पे जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आ रही, इसलिए कि वो सोच रहे हैं कि मैं अपने रब से किसी की सिफारिश कर दिया। मेरे मोहतरम, पता नहीं अल्लाह तबारक व ताला जब कुरान के अंदर मना फरमाया है तो मैं ये काम कैसे कर दिया। मेरे मोहतरम ऐसे ही तड़पते हुए उनको नींद आ गई। अब जब नींद आई तो ख्वाब में देखते हैं कि वही मजूसी जन्नत में है। मेरे मोहतरम, अब उनको इत्मीनान हो जाता है। जब सुबह उठते हैं तो जो रुक्का उन्होंने उस मजीसी को दिया था उनके बिल्कुल सिरहाने पड़ा हुआ है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब उनको इत्मीनान हो जाता है कि अल्लाह ने उस मजूसी की मगफिरत कर दी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्ला अलैह फरमाते हैं कि जब एक मजूसी 70 साल अल्लाह की इबादत के बगैर अपनी जिंदगी गुजारा और एक दिन कलमा पढ़ लिया और 2-4 दिन इबादत करने के बाद अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हमारी भी जरूर मगफिरत कर देगा। एक सबसे बड़े अल्लाह के वली हैं, उनको भी ये खौफ है कि पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं, मगर हम और आज आप 2 दिन नमाज पढ़ लेते हैं।
अपने आप को सबसे बड़ा वली समझ लेते हैं, हालांकि ये अपने ऊपर जुल्म है मेरे मोहतरम, क्योंकि 1,24,000 अंबिया कराम कमोबेश इस दुनिया में तशरीफ ले आए। जब मैदान हश्र कायम होगा तो सभी के जबान पर नफसी नफसी का रट होगी, सिवाय हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्हीं के जुबान पर अपने उम्मतियों की फिक्र होगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक अमल करें, इसलिए कि ये अमल हमें आखिरत में बेहतरीन बदला मिलेगा अगर हमने ये काम कर लिया जैसा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप भी अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए शरीयत के मुताबिक अमल करें। जैसा हमारा नबी जिस चीज़ का हुक्म देता है उसको करें, और जिस चीज़ से मना फरमाता है उसको उससे हम बाज आ जाएं। मगर हम और आप उससे बाज नहीं आते, बैंक बैलेंस कर लेते हैं जिसको कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल मना फरमाते हैं, मुर्शिद भी मना फरमाता है। आपको जब वजीफा देता है तो उस पर ताकीद करता है कि आप ये मत करोगे। अब अगर हम उसी को करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हम क्या मुंह दिखलाएंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ली और अपने मुर्शिद के दिए हुए वजीफे के मुताबिक उसने अमल कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी होगी, और वो कामयाबी उस मुर्शिद के वसीले से मिला। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको भी इस पर सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आप हजरात के सामने चंद बातें मैं रखी, अगर उसमें अगर कोई खामियां हुई हो तो आप अपने दामने अफ में जगह दे दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना साहब कलकत्ता बागमारी से तशरीफ़ लाए हैं, अब इनके बयान होंगे, आप हजरात गौर से सुने। हज़रत